आज का टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में पहली सीरीज हम लेते हैं एल्केन। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। एन इज अ नंबर ऑफ कार्बन, एन की वैल्यू को हम 1 मान लें। CH4 एन 1 है ना भाई, 1 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। नेम ऑफ इट इज मैथेन। नंबर सेकंड एन 2 वैल्यू C2H6 इज कॉल्ड एथेन। देखो बेटा लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है, एन ही है। क्यों आ रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड, एन इज अ 3 C3H8 प्रोपेन, एन इज अ 4 C4 4 2 8 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो गया। देन इज कॉल्ड ब्यूटेन, ANE सफिक्स, एन इज अ 5 कितना हो जाएगा 5 2 10 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 C5H12 इज कॉल्ड पेंटेन। नेक्स्ट इज मैथेन 1 2 3 4 टेट्रावेलेंसी एथेन 1 2 कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स ऑफ एथेन। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका प्रोपेन, प्रोपेन मीन्स 1 2 3 एंड बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट इज ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10 नेक्स्ट क्या है बेटा आपका पेंटेन, पेंटेन मीन्स 1 2 3 4 5 ऑल इज अ सिंगल बॉन्ड, पेंट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। 1 मैथ 2 एथ 3 प्रो 4 ब्यूट 5 पेंट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12 पेंटेन हो गया। चलिए एक और बनाते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 5 7 9 11 12 13 and 14 फार्मूला क्या बनेगा बेटा C6H14 हेक्सेन। क्या नाम है इसका हेक्सेन, हेक्स मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 6, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो इसको होमोलोगस सीरीज क्यों कहते हैं एक मन में आया होगा, एक कॉमन चीज है, कॉमन चीज क्या है ऑल कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए एक पॉइंट निकल के आया कौन सा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 2 क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। सेकंड ऑल फॉर्मूला ऑल एग्जांपल आर कंपाउंड ऑफ एल्किन सीरीज, कैसे बना सकते हैं बाय द जनरल फार्मूला, यानी जितने भी ऑर्डिनरी कंपाउंड है एल्किन सीरीज को उसको एक जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 और क्या है, दो सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है, सी से सी टू हो गया, 4 से 6 हो गया सी एच टू का डिफरेंस है, ये सी टू से सी थ्री हो गया सी का डिफरेंस है, 6 से कितना हो गया 8 हो गया 2 का डिफरेंस है, सी थ्री किस में चेंज हो गया सी फोर में सी, 8 से कितना हो गया 10 सी एच टू का डिफरेंस है, 4 से कितना होगा 5 तो एक कार्बन का डिफरेंस है, 10 से कितना हो गया 12 दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है सी एच टू। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज
CH2। दो लगातार मेंबर में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। अकॉर्डिंग मास, मास क्या है? कार्बन का कितना होता है? 12 और H का 1, तो कितना हो गया? CH2 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस है दो सक्सेसिव मेंबर में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं फिफ्थ नंबर में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होगा। कैसे? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो आपको मालूम है LPG है, गैस है, फिर क्या आएगा? लिक्विड, फिर क्या आएगा? सॉलिड आएगा। ग्रेजुअली चेंज होगा किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होगा अप टू बॉटम। पहले क्या होंगे? गैस होंगे, फिर क्या होंगे? लिक्विड होंगे, और फिर किसमें कन्वर्ट होगा? ये सॉलिड में। नंबर 6, सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑलमोस्ट केमिकल बिहेवियर इज अ सिमिलर। इनका जो केमिकल बिहेवियर है वो कैसा होगा? ऑलमोस्ट इज अ सिमिलर। देन एल्केन इज अ वन होमोलोगस सीरीज। एल्केन क्या है? वन होमोलोगस सीरीज। सेकंड इज एल्कीन। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज CnH2n, n मिनिमम 2। तो ऐसा क्यों करें? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना, तो दो कार्बन चाहिए। n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। n इज अ 2, C2, 2 टू जा 4, C2H4। स्ट्रक्चर्स 1, 2 कार्बन। कौन सा बॉन्ड बना दिया बेटा? डबल बॉन्ड। इन क्या नाम होगा इसका? एथ, 2 कार्बन। इन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, C2H4 हो गया। नंबर सेकंड, एन की वैल्यू कितना मान लें? 3 मान लें, तो क्या होगा? C3, 3 2 जा 6 हो गया। नेम ऑपरेटिस प्रोपीन, ENE प्रोपीन, कितना कार्बन है? 1 2 3। क्या है? इन है, डबल बॉन्ड होगा, चलिए बना दिया। एच कितने होंगे? टेट्रावेलेंसी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चलिए एच लिख दे रहे अभी थोड़ा देर के लिए। क्या हो गया? C3H6। नेम ऑफ दिस कंपाउंड प्रोपीन, एन इज अ 4, कितना हो जाएगा? 4, 4 2 8, ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या होगा? 1 2 3 4, ब्यूट हो गया। इन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दिया। काउंटिंग कर दे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, C4H8। नाम क्या है? ब्यूट इन। इन क्यों? डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, जो बोल रहे उसको ध्यान से सुनना। एंड और क्या हो सकता है? 1 2 3 4, अभी कहाँ है? टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन कौन सा होगा? लास्ट कार्बन। लेफ्ट साइड का ही कार्बन टर्मिनल कार्बन, ये राइट साइड का कार्बन टर्मिनल कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या करते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। आगे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना एच लगा है? 3 4 5 6 7 8। अरे हाइड्रोजन तो 8 है, कार्बन 4 है, लेकिन ये तो ब्यूटीन था। ये कौन है? ये भी ब्यूटीन है, लेकिन अंतर है, यहाँ डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है? फर्स्ट कार्बन के बाद है, क्योंकि हमने कहा था ना, कहाँ से काउंटिंग करते हैं? जहाँ से डबल बॉन्ड पास आता है, यहाँ से काउंट करते हैं। तो 1 2 दूसरे नंबर पे आता है ना, ये 1 ये 2। यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 एंड 2। यहाँ से भी काउंट करें, चाहे लेफ्ट से काउंट करें, तो सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। राइट से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो सेकंड नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। कहाँ से काउंटिंग करें? अरे भाई कहीं से करें, कहाँ आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा। तो क्या नाम रख दें? ब्यूट 4 कार्बन है,
डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड कार्बन के बाद है, तो लोकेशन बताना पड़ेगी ना कहाँ पर है, सेकंड लिखना पड़ेगा, टू लिख दिया, इन क्यों, डबल बॉन्ड के लिए, तो एक हो गया ब्यूटीन, बट लिखा नहीं जाता ना, पहले लेक्चर में बताया ना ब्यूट वन इन, और दूसरा कौन सा ब्यूट, ये ब्यूट वन इन है, ये क्या है ब्यूट टू इन है, फार्मूला क्या है सबका, सी फोर एच एट, दो कंपाउंड है किसके, सी फोर एच एट, पहला कौन सा है ब्यूट, ये कौन सा कार्बन है वन, ब्यूट वन इन, वन को लिखते नहीं हैं, सीधा ब्यूटीन लिखते हैं, दूसरा कंपाउंड कौन सा है ब्यूट टू इन, फार्मूला सी फोर, फार्मूला सी फोर एच एट, कंपाउंड टू ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, इनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स, क्या अंतर है, अरे पोजीशन में अंतर है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद है, यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद है, तो इनको क्या नाम दें, आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे, प्रोसेस का नाम क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर होते हैं उन्हें आइसोमर्स कहते हैं और प्रोसेस को आइसोमेरिज कहते हैं, टू आर मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन अ प्रॉपर्टीज, टू आर मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन अ प्रॉपर्टीज फिजिकल आर केमिकल, फिर सुन लीजिए, टू आर मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला वट डिफर इन अ फिजिकल आर केमिकल बिहेवियर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, एग्जाम्पल सी फोर एच एट मॉलिकुलर फार्मूला, टू कंपाउंड ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन have same molecular formula C4H8, what properties are different? Next देखते हैं, हमने आपके सामने एक स्केलेटन बना दिया फाइव कार्बन का, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये बना दिया कार्बन टेट्रा वैलेंट, वन टू थ्री फोर, क्या होगा, फाइव कार्बन है ना बेटा, तो पेंट हो गया, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सफिक्स ई एन ई आएगा, किस कार्बन के बाद है, फर्स्ट कार्बन के बाद है, लिखा नहीं जाता है, तो हो जाएगा पेंटीन। अब क्या किया हमने, सॉरी, अब डबल बॉन्ड को हमने यहां लगा दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया, कार्बन कितना है, टेट्रा वैलेंट है, वन टू थ्री फोर, अब क्या होगा, अरे भाई डबल बॉन्ड कहाँ है, काउंटिंग करते हैं, वन टू, यहां से काउंट किया लेफ्ट से राइट की ओर, तो सेकंड नंबर पे आया, अब क्या करते हैं, काउंटिंग थोड़ा चेंज करते हैं, राइट से लेफ्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये कौन सा होगा, थर्ड कार्बन होगा, भाई राइट से आप लेफ्ट की ओर चलते हैं तो तीसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो दूसरे नंबर पर है, कहां से चलेंगे, जहां से सबसे पास हो डबल बॉन्ड, कहां से है, लेफ्ट टू राइट, वन टू, कितना कार्बन है, फाइव, पेंट, डबल बॉन्ड की लोकेशन कहां है, सेकंड कार्बन के बाद, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या सफिक्स है, ENE, क्या नाम होगा, पेंटुइन, ये भी आइसोमर्स हैं, किसके, C5H10, टू कंपाउंड पेंटीन एंड पेंटुइन, ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, नेक्स्ट इज अ पेंटीन, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज एलकाइन, वाई एन ई, वाई एन ई का मीन्स क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, तो कम से कम दो कार्बन होना चाहिए जिसके बीच में क्या हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एन की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, टू होगी, एन की वैल्यू टू होगी तो क्या हो जाएगा, सी टू
जर्नल फार्मूला क्या है? सी एन एच टू एल माइनस टू, टू टू जा फोर, फोर में से टू गया, कितना बचा? टू, सी टू एच टू, इसको क्या कहेंगे? एच, और सफिक्स क्या आएगा? वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड है ना, नंबर टू। एन की वैल्यू कितना मान लें? थ्री, तो क्या हो जाएगा? थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से टू गया, कितना बचा? फोर। थ्री कार्बन प्रो, कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स वाई एन ई। एन की वैल्यू कितना मान लें? फोर, क्या हो जाएगा? फोर, फोर टू जा एट, एट में से टू गया सिक्स, सी फोर एच सिक्स, नेम ऑफ डिस ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या मान लें? एन इज अ फाइव, क्या हो जाएगा? सी फाइव, फाइव टू जा टेन, टेन में से टू गया, कितना बचा? एट, क्या होगा? पेन टाइन, वाई एन ई। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर से ना, एन इज अ सिक्स, क्या हो जाएगा? सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से टू गया, कितना बचा? टेन, क्या नाम होगा? हेक्साइन, वाई एन ई। ये होमोलोगस सीरीज है, इसके दो सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है? टू से थ्री हो गया सी, टू से फोर हो गया सी एच टू, कितने का डिफरेंस आएगा? सी एच टू का डिफरेंस आएगा। मास कितना होगा? 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा। क्या कॉमन है? ट्रिपल बॉन्ड कॉमन है। केमिकल बिहेवियर कैसा होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। फिजिकल बिहेवियर में ग्रेजुअली चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। अब देखते हैं जरा स्ट्रक्चर्स, पहले स्ट्रक्चर्स में लेते हैं पहला कौन सा बेटा? इथाइन, वन टू इथाइन हो गया, सी टू एच टू। सेकेंड क्या है? सी थ्री, देखिए हमने ट्रिपल बॉन्ड को उस तरफ लगा दिया, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देखो यहाँ कोई एच नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? फोर बैलेंस से काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, क्या आएगा? सी थ्री एच, वन टू थ्री फोर। क्या है ये? प्रोपाइन है। अगला क्या है? ब्यूटेन, वन टू थ्री फोर लगा दिए। एच कितना होगा? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, कितना आएगा भाई? सी फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही आ गया। देखिए सी फोर एच सिक्स क्या है? ब्यूटाइन है। इसका आइसोमर्स हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। कैसे होगा? एंड लगा दे रहे, और देखते हैं, वन टू थ्री फोर, ब्यूट बना दिया। ब्यूटाइन कौन सा बॉन्ड बना दें? ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। कहाँ बना दिया? वन टू सेकंड कार्बन के बाद, यहां से भी काउंट करें, वन टू सेकंड कार्बन के बाद, कार्बन की वैलेंस कितनी होती है? फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, क्या नाम होगा? अरे भाई काउंटिंग करना होगा ना, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, ब्यूट डैश टू वाई एन ई, ब्यूट डैश टू आयन। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन के बाद क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। और आगे चलते हैं, सी फाइव कितना होगा? फाइव टू जा टेन, टेन में से टू गया एट, वन टू थ्री फोर फाइव, चलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, काउंटिंग कर दें, वन टू थ्री टट्टा बैलेंसी, वन टू थ्री टट्टा बैलेंसी, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सी फाइव एच एट। क्या है? क्या है भाई ये? पेंट आयन, पेंटाइन हो गया। अब इसका आप क्या बनाएंगे? ये तो पेंटाइन है, आप क्या बना के सीखेंगे? पेंट टू आयन। अब आगे चलते हैं, इसकी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है? टू सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस है? सी एच टू का डिफरेंस है। दूसरा क्या है? 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। नंबर थर्ड क्या है? इन सभी को अभी जर्नल फार्मूला से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जर्नल फार्मूला क्या है? सी एन एच टू एन माइनस टू है। इन सब में फिजिकल बिहेवियर ग्रेजुअली अप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की मीन्स इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन, फिजिकली प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होगा।
गैस लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड आएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कॉमन है? ट्रिपल बॉन्ड कॉमन है। और क्या होगा, केमिकल बिहेवियर सिमिलर होगा। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख के बताते हैं आपको क्या क्या हमने देखा। नंबर वन है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा दो सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। कितना मास का डिफरेंस है, 14 एक्टिव मास यूनिट का। नंबर थर्ड क्या है, इन्हें हम जर्नल फार्मूला से बना सकते हैं। जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 है। और क्या है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होगा। किस किसका, बॉइलिंग पॉइंट अप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट अप टू बॉटम चलने पर, ये क्या बेटा नीचे की ओर चल रहे, क्या होगा, INC मीन्स इंक्रीज होगा। पहले गैस होगी, फिर लिक्विड आएगा, फिर किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। अब फोर हो गया, फिफ्थ नंबर देखते हैं और क्या हो सकता है। फिफ्थ नंबर में नेक्स्ट पॉइंट आ गया, क्या कॉमन है, दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ये सब क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, आगे समझाएंगे। नंबर सिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी, गैस होगा, फिर लिक्विड होगा, और बहुत अंदर जाएंगे तो सॉलिड भी आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इज अ सिमिलर, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगोसिस एल्काइन। थैंक यू।